या स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन विद थ्योरी। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन द इक्वेशन हैविंग अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा एज इट्स रूट्स। मीन्स आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। एक बेसिक रिविजन हम समझें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के देयर आर टू मेथड, वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज फॉर्मूला मेथड। बात करें फैक्टर फॉर्मूला मेथड की तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसके टू रूट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, तो इसमें एक रूट को हम नॉर्मली अल्फा बोल लेते हैं, किसी को भी प्लस या माइनस को ले लें बाय टू ए, और एक को हम बीटा बोल देते हैं, तो बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। अगर हम इन टू रूट्स को ऐड करें तो अल्फा प्लस बीटा मिलता है माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा मिलता है सी बाय ए। आप अगर इक्वेशन को, ये सम ऑफ रूट्स हो गया, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम समझे, अगर मैं इसमें आपसे बोलूं ए का डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी भी फॉर्मेशन करना तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स का सम अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट, यानी अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इक्वल टू जीरो। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आपका काम है कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें। वो कैसे निकालेंगे, देखिए इससे निकालेंगे, अगर हम समझें तो ये एक तरह से अल्फा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए अगर मैं इसमें देखूँ तो अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव अल्फा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव अल्फा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर माइनस फाइव बीटा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, राइट। ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस। अब इसके रूट्स निकालें और हमको एक अच्छी बात ये पता है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब जो रूट्स इसके आएंगे वही रूट्स इसके आएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें, हमारे पास कंडीशंस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, फाइव, और अल्फा बीटा हो जाएगा थ्री, राइट। आपको वैल्यू लिखनी है, मान लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की निकालनी होती है, अगर सम ऑफ रूट्स देखें हम तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, तो ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस टू टाइम्स ऑफ थ्री, यानी ट्वेंटी फाइव माइनस ऑफ सिक्स, कितना आ गया, ये आ गया नाइनटीन। तो आप अगर वैल्यू रख दो यहाँ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन बाय थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए 2002 का ही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द करस्पोंडिंग रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो इज सेम एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन करेक्ट रिलेशन बताना है। मतलब इनके रूट्स का डिफरेंस ऐसा बोल सकते हैं और इसके रूट्स का, इसके रूट्स मान लो अल्फा बीटा, इसके गामा डेल्टा मान लो, ये सेम है, क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आप अल्फा इसके स्क्वायरिंग कर दो तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा
गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस टू गामा डेल्टा, ये समझाने के लिए स्टेप लिखिए। आप डायरेक्ट करिए इसको, लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का करो तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म बनाओ, इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस फोर गामा डेल्टा। अब अल्फा प्लस बीटा यहां से निकालेंगे हम सम ऑफ रूट से, तो माइनस ए अल्फा बीटा बी, सिमिलरली वहां पर माइनस बी और ए आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए, राइट। अब इसमें आपको रिलेशन देखना है, एक तरह से ऐसा भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, फोर टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस फोर टाइम्स ऑफ, अब इधर लाओ आप तो प्लस हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ए नॉट इक्वल टू बी भी लिखा है, इसका मतलब ए बी के इक्वल नहीं है तो ये तो जीरो नहीं होगा, राइट। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि जीरो हो गया, तो ए प्लस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये रिलेशन आ गया। नोट डाउन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, मतलब जो रूट्स रियल रूट्स है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब यहां पर देखिए कंसेप्ट मॉड का लगा है, तो मैं पहले आपको मॉड का कंसेप्ट समझाता हूं। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, राइट। अब कभी भी मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। मान लो मैं आपसे बोलूं फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, क्या होगा? देखिए अब एक चीज समझिए मॉड के कंसेप्ट को बनाए हम, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स। आप जब कंडीशन लेके भी करते हैं तो देखिए यही निकलेगा, जब आप पहली कंडीशन लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। आप फैक्टर बनाएंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स वो बता रहा हूँ, माइनस टू माइनस थ्री मिला। एक बार जब आप नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, जब आप नेगेटिव लेंगे तो एक्स लेस देन जीरो पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। मॉड वाले क्वेश्चन में अक्सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं या इस तरह से प्रोडक्ट वगैरह पूछ सकते हैं, क्योंकि आप वैल्यू तो सेटिस्फाई करवा सकते हो। अब इसके अगर फैक्टर बनाऊं माइनस टू माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू टू एंड थ्री। मोस्टली क्या मिस्टेक हम करते हैं कि टू रूट्स ये मिले, टू रूट्स ये मिले, हम आंसर देते हैं फोर रूट्स, पर याद रखिएगा यहाँ पे फोर रूट्स नहीं है। जब हम ये कंडीशन लिखते हैं तो इस कंडीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है कि ग्रेटर देन जीरो वाले रूट कंसिडर करें, दोनों निगेटिव हैं तो इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर लेस देन जीरो लिखा है और मिले हैं दोनों पॉजिटिव, तो इसे भी कंसिडर नहीं कर सकते, यानी इसका जीरो सॉल्यूशन आएगा, नो रियल रूट। तो मॉड वाले में बहुत केयरफुल रहना होता है और देख के भी समझ में आता है, अगर सभी पॉजिटिव हैं तो रूट्स ही नहीं मिलेंगे। जैसे अगर यहाँ ध्यान दें, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तीन पॉजिटिव नंबर का सम जीरो नहीं हो सकता, इसमें इनफैक्ट प्लस नाइन भी है। अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो रख दें तो भी प्लस नाइन इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इसका मतलब हम यहाँ पर आंसर बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये एक तरीका होता है मॉड के। कुछ एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मान लो इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज इसकी जगह क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होता एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो क्या होता, आप पहली कंडीशन लेते ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। आपको इस समय रूट्स मिले सिक्स एंड माइनस वन, बट देखिए कंडीशन आपने लिखी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की, तो आप केवल पॉजिटिव रूट्स ही लें, निगेटिव ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर कभी ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक कंडीशन ली लेस देन जीरो वाली, अब देखिए अगर प्लस सिक्स कर रहा है तो माइनस सिक्स भी करेगा, आप बिना निकाले भी बता सकते हैं टू रियल सॉल्यूशन पर, निकालते तो वही आता, लेस देन जीरो पे ये पॉजिटिव हो जाता। अब इसके फैक्टर बनाते तो फैक्टर होते प्लस सिक्स माइनस वन, तो रूट्स आ गए वन एंड माइनस सिक्स। अगर हम इस केस में बात करें तो ये माइनस सिक्स भी होगा, यानी इस क्वेश्चन के
टू रियल सॉल्यूशंस होंगे, राइट। अब सपोज क्वेश्चन ये ना हो के, मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, सिंपल आपको क्लियर हो जाएगा। कि क्वेश्चन ये होता एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। मॉड में अगर माइनस आए तो ही सॉल्यूशन का सोचना रियल, अगर प्लस पूरी इक्वेशन प्लस है तो कभी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर मैं कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की, तो ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, फैक्टर बनाए टू एंड थ्री, तो एक्स की दो वैल्यू मिल गई, एक टू और एक थ्री। अब देखिए टू पॉजिटिव मिलेंगी तो टू निगेटिव भी मिलेंगी, यानी इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन रियल होंगे फोर, टू पॉजिटिव के और टू निगेटिव के। जब आप लेस देन जीरो लेते तो एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू एंड माइनस ऑफ थ्री। तो यहाँ पर हमें फोर रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली होके करना चाहिए, जिससे कभी कोई मिस्टेक ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डज नॉट एक्सिस्ट, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिए। इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, देन इस इक्वेशन के रूट्स क्या गिवन है, पी एंड क्यू। तो हमें पी एंड क्यू की वैल्यू बतानी है। अब अगर मैं बोलूं सम ऑफ रूट्स, पी और क्यू रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस पी, और मैं अगर बोलूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे पी क्यू इक्वल टू क्यू, राइट। तो अगर मैं चाहूं तो एक काम कर सकता हूं, इसमें से क्यू कॉमन ले लूं, तो पी माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी क्यू की वैल्यू जीरो, पी की वैल्यू वन। अब अगर मैं क्यू की वैल्यू मान लीजिए जीरो रख दूं, क्यू की वैल्यू जीरो रख दूं, तो पी भी जीरो आएगा, राइट। और अगर पी की वैल्यू वन रख दूं यहां पर, तो वन प्लस क्यू इक्वल टू माइनस वन, तो क्यू इक्वल टू माइनस टू। तो आप देखिए, आप ऑप्शन के हिसाब से करिए, तो पी की वैल्यू अगर मैं वन ले लूं और क्यू की माइनस टू, तो ऑप्शन है कि नहीं, तो देखिए ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन। इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, देन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू। अब आपको इस इक्वेशन के रूट दिए हैं पी एंड क्यू, तो ये मैंने लिखा है सम ऑफ रूट्स। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहां पर भी पी क्यू और यहां पर भी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स पी प्लस क्यू माइनस पी दिया है। अब अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो ये पी क्यू है, तो पी क्यू इक्वल टू कितना दिया है क्यू, क्यू को इधर लाए, क्यू को इधर लाए, या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्यू से क्यू कैंसिल, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई वन, और पी की ये वैल्यू वन यहां रख दो, तो क्यू की वैल्यू आ गई माइनस टू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए 2002 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। इफ ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू वन, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल होगा, लेस देन वन इक्वल टू वन ग्रेटर देन वन एनी रियल नंबर। अब एक अच्छी बात है, आपको ये पता है कि ए बी के इक्वल नहीं है और सी के भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कभी बोलूँ कि ये स्क्वायर लाना है हमको, तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, तो आप हमेशा बोलेंगे ग्रेटर देन जीरो। अब मैं अगर इसको ओपन करने के लिए बोलूं, तो दो बार ए आएगा, दो बार बी, दो बार सी। देखिए टोटल रिजल्ट ये मिलेगा, टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। टू कॉमन निकाल दें तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनइक्वलिटीज है कोई दिक्कत नहीं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन जीरो। मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है वन, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन वन, ये रिजल्ट आ गया। तो हमारा आंसर हुआ लेस देन वन। यहाँ पर ये इसलिए लिया है स्क्वायर्स मैंने, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना था, और यहाँ पर ये ग्रेटर देन जीरो इसलिए होगा क्योंकि थ्री पॉजिटिव क्वांटिटी का सम निगेटिव नहीं हो सकता, और इक्वल नहीं है इसलिए कभी जीरो भी नहीं होंगे। इसलिए कंडीशन लिखना बहुत जरूरी होती है, छोटी छोटी चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर निगेटिव आ गया है, यानी रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर ये टोटल पॉजिटिव होता आप इमीडिएटली जीरो सॉल्यूशन बोल देते। अब यहाँ पर हम देखें, एक कंडीशन से ही आप समझ सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू, बिल्कुल अभी प्रीवियस क्वेश्चन इस तरह के करे भी हैं,
अब देखिए x की टू वैल्यू आई 1 और 2 पॉजिटिव में, तो अगर पॉजिटिव में 2 है तो नेगेटिव में भी 2, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज 4। यहाँ पर अगर हम कंडीशन जब लेते लेस देन 0 की, तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस 1 ऑफ माइनस 2। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिले 4। नोट डाउन।